इनसे कुछ पूछ जरीन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मिस्टर की हॉट और स्टीमी रोल जो करती है कोई भी एक्ट्रेस या एक्टर तो अपने एक्टिंग एबिलिटी को प्रूव करना कितना मुश्किल है कितना चैलेंजिंग होता है क्योंकि उसमें सिर्फ हॉट और स्टीमी जी अभी आपने तो सिर्फ प्रोमो देखा है पिक्चर तो आपने पूरी देखी नहीं जो आपने ये डिसाइड कर लिया कि सिर्फ हॉट और स्टीमी हमारी है चीजें यहाँ पे और आई डोंट नो कि ये मेरे हॉट और स्टीमी करने पे इतनी क्यों दिक्कत है क्योंकि आजकल तो सारे ही कर रहे हैं तो क्या मैं नहीं अच्छी लगती करते हुए आपको अच्छा तो ये अच्छा रोल नहीं है आपने ये डिसाइड कर लिया ये अच्छा नहीं है फिल्म तो देखिए पहले आपको कैसे पता कि ये पूरे फिल्म में हम सिर्फ यही कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं और हॉट और स्टीमी अगर चलो मैं पिक्चर में नहीं करूं लेकिन अगर मैं कोई इवेंट में कुछ ऐसे कपड़े पहन लूं तो आप लोग उसको भी तो हॉट और स्टीमी बना के यूट्यूब पे फैला देते हैं तो मैं करूं तो क्या करूं एज फॉर अच्छे रोल बाय द वे एज फॉर अच्छे रोल मेरी आगे एक पिक्चर आ रही है 1921 जो एक हॉरर फिल्म है जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सोलफुल लव स्टोरी है तो आपकी ये कंप्लेन वहां पे सॉल्व हो जाएगी उसमें मैंने बहुत अच्छा किया बिफोर वी गो अहेड आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर कुमार तौरानी कुमार तौरानी साहब इज गोइंग टू मेक अ मेजर कमबैक फॉर टिप्स विद द म्यूजिक ऑफ अक्सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर फिल्म Can we have a chair for? Yes, sir. Hello. I think Kumar ji ka hamare saath rehna is a big boost to our confidence because it also values the film and puts it on a pedestal that otherwise we cannot get it on. So thank you, Kumar ji, for being with us. Thank you so much. Hello, Vidhuji. Ji. सबसे पहले तो सस्पेंस इज वन पार्ट जितना हम लोग का ट्रेलर में देख रहे हैं मुझे जब अनंत जी ने नरेशन दिया था तो बहुत सारे अलग एस्पेक्ट्स है बहुत सारे काफी स्कोप है म्यूजिक के लिए एंड सेकेंडली अक्सर इज अ वेरी वेरी पावरफुल और बहुत कामयाब तरीके से एस्टैब्लिश हुआ म्यूजिक ब्रांड है अक्सर ओरिजिनल का म्यूजिक मैं खुद उसका बहुत बड़ा फैन हूँ वी कैन नॉट फॉरगेट द सॉन्ग्स एंड वेरी 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 गुड वर्क डन बाई हेमी स्टेशन में तो वो मुझे बहुत एक्साइट करता मुझे वैसे भी सीक्वल्स करने में आई फील वेरी गुड मैंने आशिकी का सीक्वल किया मर्डर का सीक्वल किया जिसम का भी सीक्वल किया तो आई फील वेरी पॉजिटिव अबाउट इट पर हमने ओरिजिनल म्यूजिक क्रिएट किया है विद श्याम बजाज नरेंद्र बजाज चिराग वरुण मैंने इनके साथ जितना भी काम किया है द ट्रेन का म्यूजिक किया बहुत कामयाब रहा बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किया है तो थोड़ा सा आपने सुना भी होगा ट्रेलर में सो होप यू गाइस लाइक इट फोर ओरिजिनल सॉन्ग्स एंड नो रिक्रिएशंस नॉट ऑल न्यू सिंगर्स मिक्स एंड मैच I haven't sung. Hello. Yeah. To whom ever it concerns, you know, when a film gets an A certificate, so somewhere gets comparatively less screens than UA certified films. So do you think so in that process the business gets affected? No, I think these kind of movies are then जो A certificate आ जाता है then as it's not that people won't watch it. In fact, people get all the more intrigued कि A मिला है तो क्या है and then they watch it all the more. I feel and then some. In our country, there is some or the other way to watch a movie. Hi, Dutton. आपने वैसे तो बहुत सारी फिल्मों में रोल्स किए हैं मैं जानना चाहूंगा कि छोटे पर्दे में काम करने और बड़े पर्दे में काम करने में क्या फर्क आप पाते हैं जैसे टेलीविजन का एकदम ही अलग मीडियम होता है मतलब वहाँ पे जैसे हमें 15 से 22 मिनट निकालने पड़ते हैं दिन के पूरा एपिसोड प्रैक्टिकली तो स्क्रिप्ट भी आपको सेट पे ही मिलती है कुछ मतलब प्रिपेयर करने का टाइम नहीं होता आप जस्ट पहुंचते हैं सेट पे आपके सामने स्क्रिप्ट आती है कहते हैं चलिए शॉट रेडी है जल्दी जल्दी जो भी मेकअप होता है सब होता है शॉट से पहले ही हो रहा होता है यहाँ पे फिल्म का एक सीखने को बहुत मिलता है एज एन एक्टर बिकॉज आपको एक स्क्रिप्ट दी जाती है कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले आप उसको प्रिपेयर करते हैं अच्छी तरह उस पर बैठते हैं उस पर काम करते हैं वर्कशॉप्स होती हैं
और डेफिनेटली एक छोटे पीरियड में चीज़ ख़त्म हो जाती है, आप दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेलीविजन में यही हो जाता है कि आप एक किरदार के साथ कम से कम 10 महीने या 1.5 साल या 2 साल डिपेंडिंग कितना चल सकता है शो, उस पर चलते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस एंड बोथ मीडियम्स आर गुड, दोनों अच्छे। मैंने अनफॉर्चुनेटली नहीं देखे, बट आई वुड वॉन्ट टू से दैट ही इज अ ग्रेट एक्टर। इनके साथ काम करके बहुत सारा सीखने के लिए मिला, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद हिम। शीर्षक, आपसे एक सवाल है कि आपने भी बताया कि 6 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, तो साथ में आपका करियर दोबारा शुरू हो रहा है, फर्स्ट क्लास मैच वापस से शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जब आपका नाम उस मैच फिक्सिंग सागा में आया था, डू यू रिग्रेट जो कुछ हुआ, और अब फिल्मों में आने के बाद अपने करियर को किस तरह से देख रहे हैं आप? नो रिग्रेट्स माय ब्रदर, इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। आई केम टू नो हु इज ट्रू, हु इज नॉट ट्रू। And the best thing about Indian media, including this question, is that you're asking the wrong question at the wrong time. This answer to release and trailer, and we are having such a great time. And you are reminding of something which has happened when, and of no fault of mine, and it's been proved. So all I can say is please watch the movie, Aksar 2, and I'm really looking forward to see how people is going to see Srishant, the actor on screen, not the cricketer. And hopefully from October 65, I get to play, that I will finally get to the playing 11. It will be great to play for the 19 World Cup, which I think I will. So hopefully, movie becomes a super duper hit. I get keep getting opportunities, but then again win World Cups. And man, fixing saga, I think you should ask me in a different way altogether. It's been over, so why you want to bring it again? You should ask the BCCI, not me. अच्छा, एक सवाल और कि Bollywood में किसको आप idealize करते हैं, आप किसको देखकर चाहते हैं कि उनकी तरह बने या? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबके ऐसा बनना चाहता हूँ। बॉडी नहीं देखी आपने, क्या बना गया है कमाल की? दिस इज जस्ट क्रिकेट झूठा, द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, नॉट द इंडियन। I think it's going to change a lot of things for a lot of actors. ये हर एक्टर के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है, होनी चाहिए, क्योंकि सबने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर निभाया और बहुत अच्छे से काम किया है। तो जब आप फिल्म देखेंगे 6 अक्टूबर को, चाहेंगे कि आप लोग पसंद करें और अप्रिशिएट करें। रिलेशनशिप, नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट आई जस्ट फील कि इट जस्ट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी, और फोकस थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। तो आई थिंक बस इसी वजह से बोलते होंगे कि यू नो सिंगल रहो या ये मत करो, बिकॉज इट्स ओनली के एवरी पर्सन वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर देयर कंपनी और वट एवर जॉब यू आर डूइंग फॉर दैट पर्सन। तो वो यही चाहते होंगे कि बस हमारा फोकस नहीं इधर उधर डाइवर्ट हो जाए, उस वजह से आई थिंक ये सारी कंडीशन रखी जाती हैं।